ऑडिबल, इंफ्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड, कितने साउंड है यहाँ पे? तीन, एक ऑडिबल साउंड है, एक इंफ्रा साउंड है, दूसरा अल्ट्रासाउंड है। क्या डिफरेंस है इसमें देखो, द लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, हम कौन सा सुन सकते हैं, एक यहाँ पे एक लिमिट है, कितनी है? 20 हर्ट्ज़, मतलब हम क्या सुन सकते हैं, बस 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 तक जो फ्रीक्वेंसी है, उस दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वही हम सुन सकते हैं, उसे हम कौन सा साउंड बोलेंगे? एडिबल साउंड बोलेंगे, जो हम सुन सकते हैं। लेस देन 20 हर्ट हम नहीं सुन सकते, मोर देन 20,000 हर्ट हम नहीं सुन सकते, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं देखते हैं आगे। चलो, कितना है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेंज, रेंज कितनी है जो हम सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। ओके, अभी देखो, मान लो अगर 30 हर्ट है तो क्या हम सुन सकते हैं कि नहीं? यस, हम सुन सकते हैं। 50,000 सुन सकते हैं? ओके, 25,000 नहीं, 25,000 नहीं ना, 50,000, 15,000, ओके। सो ऑडिबल रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक हम ये सुन सकते हैं, उसे ऑडिबल साउंड बोलेंगे। ओके, सो कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज, सो दिस साउंड इज कॉल्ड एज ए ऑडिबल साउंड, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑडिबल साउंड बोलेंगे। एंड यू बराबर है ना, एडियो बोलते हैं दोस्तों आप लोग। ओके, अवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड द फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट एंड हायर देन 20,000 हर्ट, अगर लेस देन 20 हर्ट कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो हम सुन नहीं सकते, अगर मोर देन 20,000 हर्ट कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो भी हम सुन नहीं सकते, अगर लेस देन 20,000 हर्ट कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हम इंफ्रा साउंड। इफ मोर देन 20,000 हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे उसे क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रासाउंड, वो भी हम नहीं सुन सकते। मतलब कितने साउंड हो गए? ऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड, हम कौन सा सुन सकते हैं? बस खाली ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं। लेस देन 20 हर्ट हम नहीं सुन सकते, मतलब इंफ्रा साउंड हम सुन सकते हैं क्या? नहीं। मोर देन 20,000 हर्ट जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा उसे अल्ट्रा साउंड बोलते हैं, लेकिन वो भी हम सुन नहीं सकते, मतलब इंफ्रा भी नहीं और अल्ट्रा भी नहीं, हम जो साउंड सुन सकते हैं वो कौन सा है? ऑडिबल साउंड है। उसकी रेंज कितनी है दोस्तों? 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। फिर से बोलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड? ओके, अभी जो 20 हर्ट है इसे इंफ्रा साउंड बोलते हैं, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? जो पेंडुलम पता है आपको, जो पेंडुलम के जो वाइब्रेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड, मतलब वो लेस देन 20 हर्ट से वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो हम नहीं सुन सकते हैं। अगर मोर देन 20,000 हर्ट है या 20 किलो हर्ट भी बोल सकते हो आप उसे, 20,000 हर्ट से 20 किलो हर्ट बोले तो चलेगा। डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन हैव स्पेशल एबिलिटी टू हियर द इंफ्रा साउंड। डॉग देखो ऐसे रहे, उसको पहले पता चल रहा है, समझ में आता है ना, डॉग को जल्दी से सुनाई देता है, जल्दी से मतलब वो इंफ्रा साउंड सुन सकता है। इंफ्रा साउंड किसे बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ होता है। कौन कौन सुन सकता है देखो, डॉग, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, ये सब उनको एक स्पेशल एबिलिटी होती है तो वो क्या कर सकते हैं? ये साउंड सुन सकते हैं। ओके, हम सुन सकते हैं क्या? नो, दे कैन सेंस सम नॉइज विच आर इनऑडिबल अस, सो चिल्ड्रन अंडर 5 years एज सम क्रिएचर्स एंड इंसेक्ट कैन हियर द वेव्स विद फ्रीक्वेंसी अप टू 25 किलो हर्ट, लेस देन 5 years, छोटे बच्चे जिनका एज कितना है 5 ईयर से कम है वो क्या कर सकते हैं?
कौन सा साउंड सुन सकते हैं? अल्ट्रासाउंड। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ बोलो, नहीं तो 20 किलो हर्ट्ज़ बोलो। ठीक है,